हेलो एवरीवन, हाय टू ऑल आर प्रॉफिटियर्स एंड वेलकम टू द वीकेंड एडिशन ऑफ द प्रॉफिट कर्व, द वीकेंड शॉर्ट्स। सो टुडे इन द वीकेंड शॉर्ट्स, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ निफ्टी। लेट्स ट्राई एंड एनालाइज व्हाट इज़ द लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म प्रॉस्पेक्ट ऑफ निफ्टी फ्रॉम दिस लेवल 14,900, वॉट एवर इट क्लोज्ड येस्टरडे फ्राइडे, दैट इज़ 19 फेब्रुअरी। निफ्टी का सबसे पहले तो अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, इफ़ यू चेक द हिस्ट्री ऑफ आर बेंचमार्क इंडाइसेस, यू नो आर बेंचमार्क इंडाइसेस हैव ऑलवेज डिलीवर्ड रिटर्न्स ऑफ 12 to 15% ईयर ऑन ईयर। द लॉन्गर यू वेट द बेटर यू गेट। दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू, इसमें आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट वाई डू वी थिंक दैट निफ्टी का सबसे पहले द शॉर्ट ऑफ निफ्टी देखते हैं। What is the short side story of Nifty? Beyond 21st February, what are the factors that are going to impact the Nifty levels? I think most of the factors you know. A crucial level hai 4,700 ka. Pehla level to closing mein toot gaya. 15,000 was the benchmark. Now if the Nifty closes below 14,700 for three closing days consistently, then maybe you can check your positions and take a strategy or shift or something like that. Strategic drift bhi le sakte hain aap. Lekin that looks highly unlikely because, dekhiye, world over we've discussed this ki the liquidity is very high, the interest rates are very low, all mechanisms are in favor of a strong, you know, structural bull run from here. To short term mein to Nifty ka aapko koi problem dikhega nahi. लॉन्ग टर्म में वॉट कैन हैपन रादर इज़ वन ऑफ द थिंग्स विच वी आर ऑलवेज ट्रैकिंग, द डिफरेंस इन द इंडियन मार्केट एंड द एस्टैब्लिश्ड और लेट्स से द डेवलप्ड इक्विटी मार्केट्स अराउंड द वर्ल्ड। वन ऑफ द डिफरेंसेज इज़ इन लेट्स से इन US, ऑलमोस्ट अ मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज़ इन्वेस्टेड इन इक्विटी सिंस एजेस, मतलब दिस इज सिंस 3-4 decades। लेकिन अपने यहाँ even today if you look at a holistic picture, more than 15% people, around about 15% people are invested in the equity markets. So still the penetration of India's investor into equity and equity related investments, which are the financialization of the economy jisko kehte hain, wo abhi hona baki hai. तो अगर आप सिंपल हिसाब लगाएं, इफ एनीवन आस्क मी दैट यू नो द निफ्टी हैज़ गिवन सो मेनी रिटर्न्स ओवर सो मेनी इयर्स, व्हाट डू यू थिंक इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट 15 इयर्स, द ओनली आंसर वी हैव इज इट्स गोइंग टू बी बेटर। बिकॉज द मोर मनी दैट कम्स इनटू द मार्केट, द मोर लिक्विडिटी दैट कम्स, द मार्केट्स हैव ओनली वन वे टू गो, यू नो दे आर नॉट गोइंग टू गो डाउन इन द लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म द लॉन्ग ऑफ निफ्टी इज ऑब्वियसली वेरी वेरी बुलिश। The short of Nifty also for the next, let's say, 1, 2, 3 years looks scattered but bullish. Scattered why? Because इस तरह के corrections आपको मिलने भी चाहिए और मिलते रहेंगे. Bullish why? Because of the liquidity and a lot of other factors जैसे cheap oil, cheap value, cheap money available for the asking. तो वो पैसा कहाँ जाएगा? It has to be invested. There are so many pension funds all around the world sitting on crores and crores and crores of money. Where do you think these pension funds are going to invest the money? It's going to come to emerging markets eventually. Aur abhi tak jo aaya hai, that's the tip of the iceberg. I think in the next 3 years, aap bahut bada influx of these pension funds and other global hedge funds ka paisa aate hue dekhenge. So we will see that the money multiplies and it will happen, but it's a structural, I keep repeating that word, it's a structural bull run. आप वो स्ट्रक्चर समझिए, वो पैटर्न फॉलो कीजिए, तो आप उस बुल रन का पार्ट बन सकते हैं। दिस इज़ एक्चुअली अ गुड टाइम टू स्टे इन्वेस्टेड एंड मेक द मोस्ट। सो दिस वाज द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ निफ्टी। द लॉन्ग ऑफ निफ्टी वी डिस्कस्ड इज ऑब्वियसली वेरी गुड बिकॉज आज 15% इंडिया इन्वेस्टेड है, बाकी सब FIIs और FPIs का जो मनी है उस पर चल रहा है। द मोमेंट दिस 15% ऑफ इंडिया इवन डबल्स टू 30%, जस्ट इमेजिन द वैल्यूएशंस दैट वी आर टॉकिंग, इट इज़ बियॉन्ड एनीबडीज इमेजिनेशन। यू नो डबल द मनी कमिंग इन द मार्केट इज ओनली गोइंग टू गेट इट लॉन्गर, यू नो द वैल्यूएशंस आर ओनली गोइंग टू ग्रो। अभी तक क्या हुआ था हमारे यहाँ,
most of the money in this country, as per a report which I saw in 2017, I read a book which is called Coffee Can Investing, and I give credit to the book. उसके अंदर एक बात लिखी हुई है कि 2017 तक का जो डेटा उन्होंने एनालाइज किया, उसके हिसाब से अराउंड 85-90% ऑफ इंडियाज सेविंग्स हैज़ गॉन इन टू रियल इस्टेट एंड गोल्ड ओवर द लास्ट 6 decades. सो फाइनेंशियल इकोनॉमी में जो अपना फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा ही नहीं आया है, विच इज़ गोइंग टू कम नाउ, वो अब आता हुआ दिख रहा है, इट्स ओपनिंग अप नाउ, राइट? सो फॉर वट एवर रीज़न आर पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एज अ कंट्री इज़ चेंजिंग. ये डिस्काउंट ब्रोकर्स के आने के बाद ब्रोकरेज कम हुआ है, तो दैट हैज़ ऑल एडेड वैल्यू टू द मार्केट्स, प्लस द मार्केट्स हैव कंसिस्टेंटली डिलीवर्ड रिटर्न्स. सो ये सब फैक्टर्स अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो तो ऑल योर मनी इज़ गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड, प्रोवाइडेड यू स्टे इन्वेस्टेड. वी आर शेयर होल्डर्स एंड आवर जॉब इज़ टू स्टे इन्वेस्टेड. टेक केयर, कीप प्रॉफिटिंग एंड हैव अ गुड वीकेंड.